नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आइए बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH और इसका सामान्य नाम भी होता है कास्टिक सोडा। फिर बात करते हैं इसको बनाने की विधि। तो इसके बनाने का क्या तरीका है, कैसे बनाया जाता है इसको? तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा अपवाहित करते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा धारा प्रवाहित कर विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त करते हैं देखिए विद्युत अपघटन द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए अपन एक रिएक्शन लिखेंगे। ये रिएक्शन क्या है, देखिए आप, ये रहा अपने पास में NaCl NaCl और ये रहा इसका जलीय विलयन, यानी इसको जल के अंदर डाल दिया गया है। और यहां पर हम करा रहे हैं विद्युत अपघटन। और जब इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है तो हमें प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है, NaOH+। यहां पर मुख्य रूप से देखा जाए तो एक तो क्लोराइड गैस बाहर निकलती है और एक हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये क्या होता है कि ऐसा उपकरण होता है जिसको विद्युत अपघटन में क्या करते हैं, एनोड और कैथोड के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उसको नमक के जलीय विलयन में डाला जाता है। तो जो एनोड होता है उस पर तो क्लोराइड गैस बाहर निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। तो जो विलयन बनता है उस पात्र के अंदर वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH इसका रासायनिक सूत्र है। और इसकी जो pH होती है वो होती है 14 pH होती है, यानी अत्यधिक क्षारीय पदार्थ होता है। फिर बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। गुण, तो इसके क्या गुण हैं, क्या इसकी विशेषता है, देखिए ये भी श्वेत और ठोस पदार्थ है, श्वेत और ठोस पदार्थ। पहला गुण ये है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो श्वेत होता है और ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक 591 केल्विन होता है, गलनांक 591 केल्विन। और जल में बहुत जल्दी विलय हो जाता है। ठीक है, जल में बहुत जल्दी विलय हो जाता है, यानी जल के अंदर ये शीघ्र विलय हो जाता है। और इसका जो जलीय विलयन होता है, यदि इसको जल में डाल दिया जाए तो ये अपघटित हो जाता है Na+OH- में माइनस में, यानी कि जलीय विलयन आयनित होता है इसका, जलीय विलयन आयनित। यदि इसको जल के अंदर डाल दिया जाए तो ये आयनों में टूट जाता है, Na+ अलग हो जाता है, यानी मैं लिख सकता हूं Na+ और OH- में टूट जाता है। तो ये हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण। फिर बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, कहाँ कहाँ उपयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो लिखेंगे उपयोग उपयोग, देखिए कहाँ कहाँ प्रयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन, कागज, सिल्क, ये उद्योग होते हैं, उन उद्योगों में इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। साबुन कागज सिल्क उद्योग में। ठीक है, कहाँ प्रयोग होता है इसका पहला उपयोग, साबुन, कागज और सिल्क उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन की जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साबुन निर्माण की प्रक्रिया, तो वहां पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके बताएंगे कि कैसे प्रयोग आता है। ठीक है, और बॉक्साइड के धातुक्रम में भी ये प्रयोग होता है। बॉक्साइड क्या होता है, एल्यूमिनियम निकालने का, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। जहां से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं तो उसका जो कच्चा पदार्थ होता है वो होता है बॉक्साइड के निष्कर्षण में,
बॉक्साइट के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम के शोधन में, ठीक है, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, जब पेट्रोलियम पदार्थों में से केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, इन सबको अलग किया जाता है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। और वसा और तेलों के निर्माण में भी प्रयोग होता है इसका, वसा और तेलों के निर्माण में, वसा और तेलों के निर्माण में भी प्रयोग होता है। बाकी एक प्रमुख प्रयोग होता है जो कि लगभग सब में होता है, वो होता है प्रयोगशाला में अभिकर्म के रूप में। ठीक है दोस्तों, आज हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या गुण हैं, क्या इसके उपयोग है, क्या इसका सामान्य नाम है और इसको कैसे बनाया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।